तो मैकेनिक दोस्तों, आज का जो वीडियो है मल्टीमीटर से हम लोग किस तरह से बाइक का कॉयल है पूरे चेकअप करें। अभी जितना भी BS6 बाइक आ रहा है, हम लोगों के लिए मल्टीमीटर बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जितना भी मल्टीमीटर का सिस्टम है, किस तरह से मल्टीमीटर हम लोग चलाए और बाइक का जितना भी कॉयल है मल्टीमीटर से हम लोग किस तरह से चेकअप करें। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक का साथ रिलेटेड वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो मल्टीमीटर चलाने के लिए, मल्टीमीटर हम लोग किस तरह से चलाए, कौन सा बोर्ड कहाँ में चेक करें, AC बोर्ड कहाँ से चेक करें, DC बोर्ड कहाँ से चेक करें, ओम्स कहाँ से चेक करें, रेजिस्टेंस किस तरह से चेक करें, ST कॉइल किस तरह से चेक करें। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं मल्टीमीटर 4-5 प्रकार का होता है। तो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, यही मेरे पास यही मल्टीमीटर है और इसी से मैं मल्टीमीटर से बाइक का काम करता हूँ। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले वोल्ट जो है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, 20 200 300, तो ये हम लोगों का जो जगह है वोल्ट मापने के लिए है। तो अगर बाइक का अगर बैटरी हम लोग अगर चेकअप करें तो हम लोग 20 भी रख के मल्टीमीटर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल है वोल्ट आपको बताया। अब बाइक में जैसे कि आर्मेचर कॉयल होता है, रेगुलेटर चार्जर होता है, इसका AC करंट जो हम लोग निकलता है, AC करंट हम लोग कहाँ से किस तरह से मल्टीमीटर को चेकअप करें, वोल्ट बताया, DC वोल्ट बताया, अब AC वोल्ट बताते हैं। तो ये जो हम लोगों का जगह है, यहाँ हम लोगों का DC मापने के लिए है, अब AC मापने के लिए यहाँ से है, देखो ये लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग AC माप सकते हैं। तो बाइक का जो AC वोल्ट है हम लोग 600 पे रख के, जैसे कि ये 600 है, 600 पे रख के हम लोग आर्मेचर कॉयल का वोल्ट कितना आता है बाइक में, अगर जैसे कि बैटरी चार्ज हो रहा है कम, तो उस वक्त हम लोग यूज करते हैं मल्टीमीटर का, जो AC वोल्ट हम लोगों को कितना आना चाहिए। तो मैकेनिक भाइयों, ये आर्मेचर कॉयल अगर हम लोग जैसे कि वोल्ट चेकअप करें तो 106.7 पॉइंट आएगा, तभी हम लोगों का मल्टीमीटर से पता चलता है जो हम लोगों का AC करंट ठीक है। तो AC करंट आप 600 पे भी माप सकते हैं और 200 पे भी माप सकते हैं। तो AC वोल्ट हुआ और DC वोल्ट हुआ। अब बाकी रहा कॉन्टिन्यू, जैसे कि कॉन्टिन्यू यहाँ जो आप लोग दिखाई दे रहा है इस जगह पर, कॉन्टिन्यू पे हम लोग काफ़ी सारे चीज़ माप सकते हैं, जैसे कि हम लोग का पिकअप कॉयल होती है, अगर ये जो वायर कहीं अगर कटा है तो मुझे जानना है, ये यहाँ एक लगाएंगे वायर और ये यहाँ लगाएंगे, तो वायर अगर कटा रहा है बीच में तो पता देता है कॉन्टिन्यू पर। जैसे कि बाइक में हेडलाइट लैम्प होता है, लैम्प चेकअप करते हैं, तो एक एक करके सब आपको बताएंगे। तो कॉन्टिन्यू में करके हम लोग फ्यूज माप सकते हैं, पिकअप कॉयल माप सकते हैं, हेडलाइट की बॉल माप सकते हैं, बॉडी अर्थिंग माप सकते हैं, ठीक है। अब सवाल है यहाँ जो हम लोग ओम्स है, ओम्स पे रख ले हम लोगों को बहुत कुछ चीज़ पड़ता है। तो मैकेनिक भाइयों, हम यहाँ से रेजिस्टेंस माप सकते हैं, 2K लिखा हुआ है, 200K लिखा हुआ है, 20K लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग ये जो रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि बाइक में अगर 12 वोल्ट है तो अगर हम 5 वोल्ट का बॉल लगाए तो इसमें वोल्ट को कंट्रोल करता है, ये भी एक रेगुलेटर की तरह रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस अगर कट जाए तो किस तरह से मापे, डायोड अगर कट जाए तो किस तरह से मापे। तो मैकेनिक भाइयों, हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो DC करंट चेकअप करना और AC करंट चेकअप करना और कॉन्टिन्यू चेकअप करना। तो मैकेनिक भाइयों, ये सब कुछ चीज़ हम आपको बताएंगे किस तरह से हम लोग बाइक में चेकअप करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैकेनिक भाइयों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, बाइक में एक CDI कॉयल होता है, CDI कॉयल को हम लोग क्या मल्टीमीटर से माप सकते हैं। तो मैकेनिक भाई से हम लोग आपको टेस्ट करके दिखा देते हैं। तो मैकेनिक भाइयों, ये हमारा एक आउटपुट लाइन है, तो चलो इसे आउटपुट लाइन को यहाँ पकड़ते हैं और इसका इनपुट वोल्ट हम लोग चेकअप करते हैं कॉन्टिन्यू में करके। मल्टीमीटर में दिखाइए, मल्टीमीटर में कॉन्टिन्यू किया और यहाँ दिखाइए, तो यहाँ देखो हम लोगों को मल्टीमीटर में शो कर रहा है। क्यों कर रहा है? जो हमारा इनपुट लाइन है और आउटपुट लाइन के साथ हम लोग ये चेकअप कर सकते हैं मेरा CDI कॉयल सही है या गलत है। देखो यहाँ मुझे पता चल जाता है जो मेरा CDI कॉयल सही है या ख़राब है। तो TVS Apache RTR बाइक में 12 वोल्ट की सप्लाई, इसमें इनपुट आएगा
और इसमें आउटपुट ऑरेंज कलर में निकलेगा। तो हम लोगों को दोनों वायर को चेकअप करना है इसके साथ संपर्क पा रहा है कि नहीं। और ये चीज़ आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमारा इनपुट है लाइन और आउटपुट इनपुट अर्थिंग है, बॉडी अर्थिंग धर। तो चलो एक वायर इसमें लगाते हैं और एक वायर इसको लगाते हैं। तो यहाँ भी आपको दिखाएगा इस तरह का पॉइंट, देखिए कितना पॉइंट दिखा रहा है, इस तरह का शो होगा। लेकिन अगर बाइक अगर मिसिंग करे सीडीआई कॉइल को लेके, सीडीआई कॉइल में हमको पता नहीं चलता है, तो मैकेनिक भाइयों सीडीआई कॉइल को चेकअप करने का तरीका है जो इनपुट लाइन हम लोगों का ठीक आ रहा है कि नहीं, होल ठीक आ रहा है कि नहीं, इनपुट हम लोगों का बॉडी अर्थिंग ठीक आ रहा है कि नहीं, इनपुट हमारा पिकअप कॉइल ठीक आ रहा है कि नहीं। तो सीडी ऑयल चेक करने का तरीका यही है, इनपुट 12 वोल्ट सप्लाई देखो, इनपुट अर्थिंग देखो, इनपुट पिकअप कॉइल देखो। अगर पिकअप कॉइल ठीक रहे और वोल्ट ठीक रहे और बॉडी अर्थिंग ठीक रहे तो हम लोगों का सीडीआई कॉइल अगर अच्छा रहे तो इस वायर पे ऑटोमेटिक वोल्ट जाएगा और इग्निशन में हम लोग जाने के बाद यहाँ हम लोगों का स्पार्क प्लग में करंट आ जाएगा और बाइक चालू हो जाएगा सीडीआई कॉइल अच्छा रहे तो। तो अगर सीडीआई अच्छा है, यहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है, अगर सीडीआई अच्छा रहे तो आएगा, अगर सीडीआई ख़राब रहे तो भी नहीं आएगा। अब मैकेनिक भाइयों एसटी कॉइल मापने का कुछ तरीका बताऊंगा, जो एसटी कॉइल हम लोगों को मापना मल्टीमीटर से हम लोग माप सकते हैं। अब किस तरह से माप सकते हैं हम आपको बताते हैं। तो मैकेनिक भाइयों चलो हम इसे खोलते हैं और आप लोगों को तरीका बताते हैं जो एसटी कॉइल हम लोग किस तरह से मापे। हम एसटी कॉइल जो है मल्टीमीटर से आप लोगों को माप के बताते हैं। तो मैकेनिक भाइयों ये जो 200 के लिखा हुआ है इस जगह पर हम लोग एसटी कॉइल को मापेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस मापने के लिए ये चीज़ है, हम लोग कितना ओम्स मिल रहा है। तो चलो हम आपको बताते हैं। तो जैसे कि एक वायर हम यहाँ का साथ अटैच करेंगे, स्पार्क प्लग का साथ संपर्क करेंगे। तो यहाँ देखिए हम लोगों को 1135 पॉइंट आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1100 1200 1300 आना चाहिए। और 1100 आने से कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोगों का जो इसके अंदर जो कॉयल होता है ये हाई वोल्ट करके, हाई टेंशन वाला वोल्ट करके देता है बाइक में। तो अगर 1200 मिल रहा है, 1100 मिल रहा है तो हम लोग का कॉयल ठीक है। तो एक तरीका इस तरह से आपको बताया, ठीक है। और दूसरा तरीका आप लोगों को और भी बताता हूँ जो किस तरह से हम लोग चेकअप करें। देखो इस तरह से आ रहा है। और दूसरा तरीका है इस तरह से भी हम लोग चेकअप कर सकते हैं, देखिए इस तरह से भी चेकअप कर सकते हैं। अब दूसरा हम आपको इग्निशन कॉइल ले लेता हूँ इस बाइक का, तो चलो इसको भी हम लोग चेकअप कर लेते हैं। तो मैकेनिक भाइयों यह है हमारा, जैसे कि यहाँ देखिए 00 बता रहा है और इस जगह पर भी देखो 00 बताएगा, 00 बता रहा है। अब यहाँ आपको 11 वोल्ट दिखाया, 11 वोल्ट 17 पॉइंट। अब इसका पॉइंट हम लोग देखते हैं, एक मेन का साथ टच करेंगे और एक दूसरे के साथ यहाँ संपर्क करेंगे। तो फिलहाल ये जो स्प्लेंडर बाइक है इसमें 7.85 आ रहा है और TVS बाइक में कितना आ रहा है देखो, TVS बाइक में कितना आ रहा है देखो, 11.36 आ रहा है। तो हर कोई बाइक में अलग अलग तरह का सिस्टम होता है, लेकिन हाँ अगर ये अगर शॉर्ट हो जाए, करंट ना आए तो हम लोग माप सकते हैं। अब मैकेनिक भाइयों ये रेगुलेटर चार्जर की बात करते हैं, रेगुलेटर चार्जर के हम लोग मल्टीमीटर से माप सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैकेनिक भाइयों रेगुलेटर चार्जर भी हम लोग मल्टीमीटर से माप सकते हैं अगर मेरा लाइन डेड है तो। तो जैसे कि एक वायर आप इसके साथ संपर्क करेंगे और इसको यहाँ लगाएंगे तो यहाँ शो नहीं करेगा, आप ऊपर लगाते हो तो देखिए हम लोगों का कनेक्शन बता रहा है, इसके अंदर कनेक्शन ठीक है। अब यहाँ दिखाइए, आप लोगों को पॉइंट दिखाएगा, तो 1900 पॉइंट दिखा रहा है। अब हम आपको ओम्स करके दिखाते हैं, 20 ओम्स से रखते हैं और यहाँ इसका रीडिंग कितना दिखा रहा है, 00 दिखा रहा है। अब यहाँ देखिए, तो नीचे वाला जो वायर है हम लोग मापे तो हम लोगों का पॉइंट जो है 13 वोल्ट 91 पॉइंट दिखा रहा है, इसका मतलब रेगुलेटर चार्जर भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो रेगुलेटर चार्जर को भी हम लोग माप सकते हैं। अब सवाल है जो ये जो एसी करंट वाला बाइक है स्टार्टिंग के लिए, इस कॉइल को हम लोग किस तरह से मापे। तो मैकेनिक भाइयों 100% इसे माप सकते हैं मल्टीमीटर से। तो चलो आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह से मापे, या इसको हम लोग कंटिन्यू पे करेंगे और हमारा पॉइंट दिखा रहा है 305। अब इसको हम चेकअप करते हैं, ठीक है।
ये मेरा थोड़ा ख़राब लगता है, इसका वायर वगैरह टूट गया है, चेकअप करने के लिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये एकदम बिल्कुल डेड है, ये नहीं बता पा रहा है जो ठीक है। तो अगर ये कॉइल बीच में अगर कहीं वायर कट जाएगा तो मल्टीमीटर से हम लोग जाँच कर सकते हैं और पहचान सकते हैं जो हमारा कॉइल सही है या ख़राब है। तो मैकेनिक भाइयों, ये जो हम लोग का हेडलाइट बॉल है मल्टीमीटर से हम लोग पहचान सकते हैं। तो कंटिन्यू पे हमने रखा और ये वायर के साथ इसको संपर्क करके देखो नहीं जल रहा है, तो नहीं जल रहा है इसका मतलब ये बॉल ख़राब है। अब आप लोगों को दूसरा बॉल लगा के दिखा देता हूँ। बॉल मेरा कटा हुआ है, अब हम इसको चेकअप करते हैं जो मेरा फिलिंग ठीक है या सही है। तो यहाँ देखिए इसका रीडिंग ठीक दिखा रहा है, इसका मतलब हम लोगों का ये परफेक्ट है। अब आपको चेकअप करके दिखाता हूँ। तो बॉल जल गया, मेरा मल्टीमीटर से पता चल जाता है बॉल सही है या ख़राब है। अब मैकेनिक भाई जो आते हैं, जो हम लोगों का एसी करंट है, एसी करंट का कॉइल हम लोग मल्टीमीटर से कैसे जांच करें, तो हम आपको बताते हैं उसका तरीका जो किस तरह से हम लोग चेकअप करें। तो चलिए मल्टीमीटर से एसी कॉइल को हम लोग मापते हैं, आर्मेचर कॉइल को। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यू पे किया, अगर बीच में कहीं वायर कटा रहा है तो हम लोग को समझा नहीं पाएंगे कि जो हम लोगों का आर्मेचर कॉइल होता है इसमें एक बॉडी अर्थिंग होता है और दो वायर और निकलता है काफ़ी सारे बाइक पर। तो एक बैटरी चार्ज को लिए जाता है और एक हेडलाइट जलाने के लिए। तो मैकेनिक भाइयों, अभी जितना भी बाइक आ रहा है इसके लिए एक ही वायर निकलता है और बॉडी अर्थिंग निकलता है। तो चलो हम इसे मापते हैं ये वायर मेरा ठीक है या ख़राब है। तो मैकेनिक भाइयों, बॉडी अर्थिंग में लगाया और एक वायर इसका साथ संपर्क करेंगे तो मेरा मल्टीमीटर शो कर रहा है, इसका मतलब बता रहा है जो इसका वायर वगैरह है बैटरी चार्ज करने के लिए ये कहीं भी कटा हुआ नहीं है। अब दूसरे को चेकअप करते हैं हेडलाइट जलाने के लिए, तो ये भी बता रहा है मैकेनिक भाइयों जो हम लोगों का हेडलाइट जलाने के लिए जो कनेक्शन है सही है। तो इसमें हम लोग इसको पता चल रहा है, तो कहीं बीच में अगर वायर कटा रहा है तो अगर ये कॉइल अगर इस बॉडी के साथ चिपक जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा मैकेनिक भाइयों, तो मल्टीमीटर से हम लोगों को गलत बताएगा। तो मल्टीमीटर भी कभी कभी हम लोगों को गलत बता देते हैं, इसके लिए हम लोगों को चेक करना पड़ता है। जो ये जो पीला कलर का वायर है, कोई कोई बाइक में वाइट कलर का वायर निकलता है आर्मेचर कॉइल का, तो वोल्ट हम लोगों को लैम्प लगा के देखना है। जैसे कि हमारे पास ये लैम्प है, तो आप लोग चेकअप करो, जैसे कि एक वायर बॉडी अर्थिंग कर दो और एक वायर को वोल्ट के साथ लगाओ और बाइक में कीक करके देखो जो उसमें हम लोगों को लैम्प जल रहा है कि नहीं। अगर लैम्प जल रहा है तो आप लोगों को पता चल जाता है जो हम लोगों का आर्मेचर कॉइल सही है। तो मैकेनिक भाइयों, अब हम आपको बताते हैं बाइक का वोल्ट किस तरह से हम लोग चेकअप करें। ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिक इसको पता है, लेकिन तरीका बता देता हूँ। जैसे कि ये बैटरी हमारा 12 वोल्ट है, ठीक है, 12 वोल्ट है, तो हम यहाँ 20 में करके इसको चेकअप करेंगे जो किस तरह से हम लोग मल्टीमीटर से चेकअप करें। तो हमारा पॉइंट बता रहा है 12 वोल्ट 84, तो इसका मतलब 12 वोल्ट 84 मिल रहा है। अब जैसे कि बाइक में बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है तो किस तरह से चेकअप करें। तो मैकेनिक भाइयों, 20 में रखना और एक करके बैटरी के साथ लगाना, और अभी फ़िलहाल जो 1285 है, स्टार्ट करने के बाद 1500 RPM देने के बाद हम लोग का 14 वोल्ट 14.5 वोल्ट अगर आएगा तो हम लोग का रेगुलेटर चार्जर जो होता है बिल्कुल सही होता है। अगर जैसे कि यहाँ स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद भी 1285 आ रहा है तो बाइक बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है। तो वैसा सिचुएशन में आप लोगों को रेगुलेटर चार्जर चेंज करना है और आर्मेचर कॉइल चेंज करना है बैटरी चार्ज के लिए। तो चलिए हम आप कुछ और दिखा देते हैं अब कॉइल को किस तरह से हम लोग चेकअप करें। तो पिकअप कॉइल भी हम लोग चेकअप करें कंटिन्यू में करके, तो कंटिन्यू में अगर हम लोग इस तरह से चेकअप करें तो हम लोग का पॉइंट बताएगा। तो यहाँ देखिए 180-181 पॉइंट दिखा रहा है। अब दूसरा मॉडल हम देख रहा हूँ, ये TBS वाला है, 130 आ रहा है। अब हम दूसरा और देखते हैं, 128 दिखा रहा है। तो मैकेनिक भाइयों, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं। पिकअप कॉइल हीरो कंपनी का अलग होता है, TBS कंपनी का अलग होता है, बजाज कंपनी का अलग पॉइंट होता है, लेकिन पॉइंट अगर आ रही है 127, 28, 220, 250, 150, 250, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पिकअप कॉइल को हम लोग कंटिन्यू में करके इस तरह से माप सकते हैं और हम लोगों को 100% बताएगा। यहाँ लिखा हुआ है 20K लिखा हुआ है, तो हम लोग चेकअप करेंगे इसका साथ इसको संपर्क करेंगे। यहाँ मल्टीमीटर में हम लोगों को बता रहा है जो हमारा रिले बिल्कुल सही है।
तो इसमें हम लोगों का जो सेल्फ का एक बोल्ट आएगा सेल्फ दबाने से, और नीडल से बॉडी अर्थिंग आएगा, और क्लच दबाने से बाइक अगर गियर में रहे तो बॉडी अर्थिंग आएगा। तो दो वायर है इस काम का, और दो वायर है फ्यूज बॉक्स के लिए। तो ये जो फ्यूज बॉक्स है ना, तो इसका साथ संपर्क होता है। तो हम लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर बाइक में करंट नहीं जा रहा है तो ये सब कुछ चीज़ हम लोग चेकअप कर सकते हैं मल्टीमीटर की मदद से। और रिले एकदम सेल्फ अगर ख़राब हो जाए, सेल्फ अगर काम ना करे, तो रिले को हम लोग मल्टीमीटर से नहीं माप सकते। मल्टीमीटर से हम लोग बॉडी कंट्रोल ईसी को भी नहीं माप सकते। तो मैकेनिक भाइयों, कुछ कुछ चीज़ है हम लोगों का वोल्ट का ज़रूरत है, इसीलिए मल्टीमीटर से हम लोग माप सकते हैं। जैसे कि बाइक में अगर डीसी वोल्ट को अगर बॉडी के साथ संपर्क करें तो फ्यूज कट जाता है। तो हम लोग बॉडी करके नहीं देखेंगे, मल्टीमीटर से सब चेक करेंगे जो वोल्ट पूरे बाइक में सब जगह पर जा रहा है कि नहीं। तो मल्टीमीटर रखने का हम लोग का एक ही कारण होता है मैकेनिक भाइयों, जो हम लोग कोई भी जगह पर अगर वोल्ट नहीं जा रहे तो वोल्ट को चेकअप कर सकते हैं, बॉडी अर्थिंग नहीं जा रहा है तो बॉडी अर्थिंग चेकअप कर सकते हैं, हेडलाइट लैंप नहीं चल रहे तो हेडलाइट बोल्ट को हम लोग चेकअप कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर का यही ज़रूरत है। तो मैकेनिक भाइयों, ये था वीडियो हमारा जो बनाने का मकसद। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक के साथ रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ और आप लोगों को दिखाते रहता हूँ।